निपात हेबे लाल बाहिनी माओ दमन पई बड़ ब्लू प्रिंट खूब शीघ्र आरंभ हेबो ऑपरेशन कगार केन्द्र गृह मंत्रालय पक्षर नक्सल दमन पई रणनीति होईछि। ऑपरेशन कगार अर्थ शेष सीमा छत्तीसगढ़ सर्वाधिक नक्सल उपद्रव अबुजमत जंगल रे बड़ धरणर हमला करने को केन्द्र गृह मंत्रालय एक्शन प्लान प्रस्तुत करछि। एही ऑपरेशन पई ओडिसा रे मुतयन थिबा सीआरपीएफ रु 3000 जवान को तुरंत छत्तीसगढ़ बस्तर अभिमुखे जिबा को कहा जाइछि। मालकानगिरी थिबा एक बटालियन जवान को छत्तीसगढ़ मुतयन करा जिबो। एबे ओडिसा रे मोट 8 बटालियन बीएसएफ जवान अछन्ति। छत्तीसगढ़ नारायणपुर राजनंदगांव और कोंडरा गांव अंचल रे एबे आईटीबीपी रा 8टी बटालियन मुतयन अछन्ति। बीएसएफ को नारायणपुर रे 6टी नूतन ऑपरेटिंग बेस खोलिबाकु कुहा जाइछि। ऑपरेशन रे बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी जवान को सहित राज्य कमांडो शामिल हेबे। नारायणपुर जिले में रही 4000 वर्ग किलोमीटर अंचल सेठे क्याडर माओवादी रोचे। अबुजमत मद अंचल 237 गाँव में रोचान प्राय 35000 आदिवासी। से सब् अंचल उभय राज्य की केन्द्रीय फोर्स ठू अपहंच रही फल अबुजमत माओवादी बेस कैंप कर ट्रेनिंग और ऑपरेशन प्लान कर नक्सल रो माने सबु से माने दृढ़ गढ़ से बहुत बड़ अंचल अच्छी से जगह जे मोमेंट बेसी हो तो ताको किमते दमन करा सेटा ही उद्देश्य अच्छी। वर्तमान रे देखा जाऊँगी उड़ीसा रे आमर जिते वर्तमान रे एक्टिव अच्छी प्राय साउथ रे आमर जे आंध्र उड़ीसा बॉर्डर जोनल कमिटी थिला सेटा प्राय एक्टिव नहीं विशेष करी जे आम विच्छिन्न अंचल रे जे सेतु हेला परे तापरे सेटी फोर्स लागी करी से पूरा आउ एक्टिविटी नहीं। आप देखिए कोरापुट मालकानगिरी रो भी से अधिकांश अंचल रे टिके आम सुकुमा साइड रे जे छत्तीसगढ़ को लागी करी अच्छी सेटी एक्टिविटी अच्छी। छत्तीसगढ़ रही से जे बेस हो जाऊँ नारायणपुर अबुजमाड़ सुकुमा दंडकरणिया जे साउथ एरिया अच्छी सेटा तार गढ़ हो जाऊ आम ओडिशा रे ऑपरेट करुछी के साउथ रे भी ऑपरेट करुछी से गढ़चिलौरी भी से लागी करी अच्छी तो सेटा जेहेतु ऑपरेटिंग बेस अच्छी तो निश्चय से जगह रे जे पर्यंत आउ फोर्स न देले एरिया को डोमिनेट करी होबो नै तम आधिपत्य जमावा पई निजे आउ फोर्स दरकार। 6 बटालियन है गला प्राय 6000 लोक सेटी इंडक्ट करिवो विशेष अभियान नक्सल विरुद्ध चलावा पई।